जय माँ दुर्गा। हम गीतांजलि देवी ओसवाल, हमने ओसवाल परिवार को एकजुट बनाकर रखा। औरत होते हुए भी अपने खानदानी बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिर भी हम मानते हैं कि खानदान का चश्मो चिराग बेटे ही होते हैं। तभी तो हमारे दोनों पोते आरव और विवान हमारी शान भी है, हमारी जान भी। इसीलिए उनकी जीवन संगिनी ढूंढने में हम गैर जिम्मेदारी नहीं बरत सकते। तभी तो हमने बुलाया है सिमर को, क्योंकि वो हमारे दोनों पोते खासकर आरव की रग रग से वाकिफ है। हमें पूरा यकीन है कि सिमर ढूंढ लेगी हमारे खानदान के लिए अपनी परछाई, ओसवाल खानदान की बहू के रूप में और आरव की पत्नी के रूप में। आइए मिलते हैं सिमर की परछाई छोटी सिमर से और हमारे गुरूर आरव ओसवाल से। मैं सिमर घर में सबसे छोटी हूँ, इसलिए सबकी लाडली भी। घर वालों का ख्याल रखना, अपने सपनों तक पहुंचने की तैयारी करना, बस इन दोनों कामों में दिल लगता है मेरा। पर पापा का दिल कहता है कि मेरी शादी करवा देनी चाहिए, जिससे मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरा मानना है शादी सपनों का अंत नहीं होता। मायके में देखो या ससुराल में देखो, सपने हर हाल में देखो। पर शादी के लिए एक एहसास भी तो जरूरी होता है, प्यार का एहसास, जो मुझे कभी नहीं हुआ था। पर एक दिन वो सामने आ गया, जिसे देख के ऐसा लगा कि प्यार का अगर कोई चेहरा होता तो उसके जैसा होता। आरव, आरव नाम है उसका। मैं आरव, आरव ओसवाल, यूएस से इंडिया वापस लौटा हूं 8 साल बाद। पर सच तो यह है कि अपना परिवार, अपनी मिट्टी, इनकी कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। थैंक्स टू बड़ी मां, जो हम परिवार की एकता देखकर बड़े हुए, संस्कार और मान मर्यादाओं की कीमत समझी। बड़ी मां का बिजनेस सिर्फ उनका सपना नहीं, मेरा भी सपना है, और उसी सपने को आसमान के बुलंदियों पर पहुंचाना है। इस बीच प्यार, इश्क, मोहब्बत के लिए वक्त कहां। पर उनकी इज्जत थी बड़ी मां की कि वो एक बहू लाए, तो सिमर मासी के साथ मिलकर एक बहू चुन ली। उनकी तो फेवरेट है, पर मेरी ये तो वक्त ही बताएगा। काफी सारे इम्तिहान देने होंगे उसे इस परिवार में ढलने के लिए, और उन इम्तिहानों में मैं उसका साथ दे पाऊंगा या नहीं, ये भी वक्त ही बताएगा और तय करेगा सिमर मासी और बड़ी मां का फैसला कि वो इस घर की बहू बनने के लायक है भी या नहीं। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है सितारों से सजा ये मंच। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, कांग्रेचुलेशंस, आपका नया शो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। कैसे कर रहे हैं आप इस माहौल में शूट, इस वक्त आउटडोर पे हैं, हाउस दैट गोइंग? अच्छी बात है कि हम लोग शूट कर रहे हैं, इतने मुश्किल समय में शूट कर रहे हैं, जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, हम सब महाराष्ट्र से बाहर जाकर आगरा में शूट कर रहे हैं, पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। शॉट जब तक नहीं शुरू होता तब तक हम अपने मास्क लगाए रहते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं अपने हाथ और अपने वैनिटीज, अपने सब चीजों को, और डिस्टेंसिंग ऐसे तो रहता ही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आरव और राधिका, जैसे मत तो आप लोग बताएं, आप लोगों के थोड़ी एक्सपीरियंसेस बताइए। जी थैंक यू पूजा वेरी मच, एंड हमने भी प्रोमो ये पहली बार देखा आप लोगों के साथ, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, एंड आई होप कि लोगों को भी बहुत पसंद आए। और आई थिंक हम ऑफ कोर्स बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जो समय आज तक हमने कभी देखा नहीं है और ना ही कभी टचवुड देखने को मिलेगा। बट इस समय में ये भी जरूरी है कि हम
जो दर्शक घर बैठे हैं उनके लिए भी एक कहानी लाते रहे। तो ये एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ क्रिएटिव ग्रुप, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एक अच्छी अच्छी कहानी रोज शाम को 6:30 बजे आकर दिखाते रहें और उनका वो मनोरंजन करें। वो पावर टू यू, स्टे सेफ और ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरह शूट कर करके हमें इंटरेस्टिंग कहानी दिखाते रहिए। toi.com/timesofindia.com से विजया, हाउ हैज इट बीन शूटिंग इन द मिडिल ऑफ दिस मुश्किल दौर, ये जिस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, एंड आप क्या कहना चाहेंगे इस शो में जो सारे आपके को स्टार्स हैं उनके बारे में? तो जैसे जयती मैम ने बताया, हम सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए कर रहे हैं। जितने कम लोग सेट पे हो सकते हैं उतने ही रहते हैं, पूरा टाइम मास्क ऑन रहता है, रोल करने से पहले हम मास्क हटाते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं। एंड या तो जयती मैम के बारे में मैं यही बोलूंगी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर। अभी तक मैंने उनके साथ मतलब और सीन प्रॉपर नहीं कर पाई हूँ, बट या मैं देख मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं उनसे काफी कुछ सीखूं। एंड आरव के साथ वो है जग मतलब बालिका वधु में जो लाडे सर था वो वैसा ही है। एंड या he's fun to work with। कुछ उसको लगता है कि नहीं ये यहाँ ठीक नहीं जा रहा तो वो समझा भी देता है, बता भी देता है, सो आई एम एंजॉयिंग इट। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे मेरा विवान भी है करण, और रीमा भी है तान्या, वो लोग भी बहुत बहुत मजेदार है। मैंने इनके साथ, इन चारों बच्चों के साथ, मैंने पहले भी कहा कि मैं इतना भारद्वाज परिवार में घुली मिली, इतना मेरे दिमाग में रहता है, पर ये बच्चे पूरी कोशिश में है कि सब निकाल के बस ओसवाल परिवार ही मेरे में और दिमाग में बस जाए। आप फिर से आगरा आइए, आप भूल जाएंगे सब, सिर्फ ओसवाल याद रहेगा आपको। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे। दैट आई हैव बीन फॉर्चूनेट इनफ टू वर्क विद ऑल ऑफ द थ्री प्रिटी यंग वंडरफुल वुमेन इन राइट हियर, और सभी बहुत यू नो मेहनती हैं अपने काम के प्रति, एंड द ज़ेस्ट एंड द पैशन for working. Of course, Jyoti ji, we have been seeing her, we have been watching her since last so many years, and I really feel fortunate, and I think I speak for all, that we have got an opportunity ki hum Jyoti ji ke saath kaam kar paaye, aur wo hamare saath Sasural Simar Ka 2 mein pure show mein hai ki hum jahan bhi agar tagmagaye ya jahan bhi hamare raaste aade tade ho wo seedha kar de aur hame guidance dete rahe. Bless you. हमारी गीतांजलि देवी को कि एक करियर या गोल ओरिएंटेड वुमन, एक ऐसी औरत क्यों आपको लगता है कि अपना घर नहीं संभाल सकती, सेकंड सीजन में भी ये सोच क्यों? अब मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत सारी लड़कियां देखी अपने आरव और विवान के लिए, वो संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती हैं कि अपने अपना घर बनाएं, अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएं। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे दिल में जो हमने इतना सुंदर एम्पायर बनाया है, इतना प्यारा खानदान सजाया है और सबको साथ रखा है इतने सालों तक, ऐसी कोई लड़की आए जो आकर अपने सपने पूरे करने के चक्कर में हमारे परिवार के सपने या हमारे परिवार का विभाजन कर दे, इसीलिए हमें ऐसी लड़की की तलाश है जो परिवार को साथ रखे, प्यार बांटे, सिमर की तरह जिस तरह से उसने परिवार को साथ रखा है, वैसे ही हर मुसीबत का सामना करते हुए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले परिवार को चलाने में। हमारा अगला सवाल हमारी छोटी सिमर राधिका के लिए है, और आपको कैसा लगता है सीजन 2 का एक हिस्सा बन गया? आपको पता है कि सीजन 1 वाज अ फिनोमिनल सुपर डुपर सक्सेस, क्या आप में कुछ एप्रिहेंशंस हैं, क्या आप कहीं भी नर्वस हैं कि आप बड़ी सिमर से कंपेयर की जाएंगी? हाय पूजा, सो या मैं भी एक्चुअली ससुराल सिमर का सीजन 1 स्टार्टिंग से देखती थी, सो आई वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ द शो, एंड या थोड़ा बहुत नर्वसनेस था मुझे इनिशियली कि हाँ कंपैरिजन हो सकता है,
बट जब मैं इन लोगों से मिली, मैं जयती मैम से मिली, दीपिका मैम से मिली, आरव से मिली, सो इन लोगों ने इतना अच्छा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया मेरे लिए. और अब मैं काफी हद तक ढल चुकी हूँ अपने कैरेक्टर में, तो आई एम एंजॉइंग. That's lovely, क्योंकि आपकी छोटी कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिमर बनके, छोटी सिमर बनके, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग आप कैसे इस रोल को निभाने वाली हैं. लगता तो है प्रोमोस ने कि बहुत ही बखूबी निभाया आपने. और नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अविनाश, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक अप द शो? आपने क्या, आपको क्या ऐसा लगा सीजन में कि आपने एक्सेप्ट किया ये रोल? सीजन वन तो बहुत ही बड़ा हिट था, और आप कितने एक्साइटेड या कितने नर्वस हैं इस सीजन के बारे में? जैसे कि हम सब जानते हैं ससुराल सिमर का इज अ सुपर डुपर हिट, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिनको हमने बोला है कि, जिसको मैंने बोला है कि ससुराल सिमर का इज अ शो और उसका सीजन टू आ रहा है. सो सभी जानते हैं, सभी प्यार करते हैं, और दिस रोल पर्टिकुलरली आई वांटेड टू डू समथिंग यू नो विच इज क्लोज टू द हार्ट ऑफ ऑल द पीपल. जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में इंडियन टेलीविजन जो है वो बहुत बड़ा हो गया है. इंडिया में सीमित नहीं है, बाहर के विदेश कंट्रीज में भी बहुत इसकी प्रशंसा होती है, बहुत अप्रिशिएशन होता है, बहुत लोग प्यार करते हैं इसको. सो ससुराल सिमर का एक ऐसा भी एक फ्रेंचाइजी है. सो और ये पार्ट टू है. सो हम सब रोज ये कोशिश कर रहे हैं, दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये पार्ट टू है तो हम डबल प्यार दें, डबल एंटरटेनमेंट दें, डबल मसाला दें, डबल ड्रामा दें, और सब कुछ डबल हो. I like that franchisee take which you took on it. That makes it very, very interesting. बिल्कुल सही कहा. और ये जो promise आप दिखा रहे हैं और जिसके बारे में कह रहे हैं वो definitely screen पर दिख रहा है. अगला सवाल जयती जी आपके लिए है कि आप अपनी life में, real life में अगर आपकी बहू है या होने वाली है तो आप उनमें क्या qualities ढूंढते हैं? And there is a second question as well कि season one की सबसे प्यारी memories, यादगार क्या रही हैं? मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी. के लिए बहू चुनने जाऊं तो कुछ हद तक मैं दीपिका और राधिका जैसी लड़की ढूंढना चाहूंगी. आप सबको ये बताना चाहूंगी, आप सभी जानते हैं, आपने दीपिका के लाइव ब्लॉग्स देखे हैं, जो मेरी सिमर हैं उनके आपने ब्लॉग्स देखे हैं, कि वो पूरे परिवार को, अपने ससुराल के सब पर पूरे परिवार को साथ में रखकर आगे बढ़ती हैं. शी इज वेरी हैप्पी विद इन हर फैमिली. और उसी तरह से राधिका से जब मेरी अभी बात हुई है, नई नई मुलाकात हुई है, थोड़ी बहुत बात हुई है, तो मुझे ये समझ में आया कि वो एक नया घर बना रही हैं. और सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ आकर रहे. आप सोचिए कि ये, आई होप राधिका को ये बात मैंने सबको कही है, उसे ये नहीं लगा कि मैंने एक पर्सनल बात कह दी, क्योंकि मुझे इस बात से बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ, ये जो गीतांजलि देवी ओसवाल है वो इस तरह की लड़की चाहती है. कि वो, ये दोनों लड़कियों ने ये प्रूव किया है आज की डेट में कि अपने सपने के साथ साथ आप घर भी बना सकते हो. हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में खुश नहीं रह सकता, संयुक्त परिवार में भी खुश रहना इन लड़कियों को आता है. ये आज की 2021 की सही मायनों में एम्पावर्ड गर्ल्स हैं. सो आप समझ सकती हैं कि अगर हम, मैं कहूं तो यही हमारी, यही परंपरा मैं अपने बच्चों में भी देखना चाहूंगी. दूसरा ये कि ससुराल सिमर का की मेमोरीज, ससुराल सिमर का एक एक दिन, एक एक मोमेंट मेरे लिए यादगार है. मैं हर भारद्वाज परिवार के, मेरे हर बच्चे को मैं मिस करती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं उस वाल परिवार के बच्चों को प्यार नहीं कर रही, बिल्कुल प्यार कर रही हूँ, उन्हें अपना रही हूँ, लेकिन वो तो मेरी रग रग में बस चुके हैं. मैं सबको मिस करती हूँ, और यादगार बताने बैठूंगी तो 7 साल बीत जाएंगे फिर से. कमाल है, उन 7 सालों में आपके साथ बिताया हुआ हर पल आई एम श्योर सबके लिए उतना ही मेमोरेबल हुआ होगा. एंड हियर्स टू मेकिंग सो मेनी मोर ब्यूटीफुल मेमोरीज इन दिस न्यू सीजन. हमारा अगला सवाल एक बार फिर से राधिका के लिए है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. गौर से, आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस सुपरनैचुरल पावर्स इन सीजन 2 आल्सो? राधिका, सी ससुराल सिमर का बेसिकली सास बहू, और मतलब एक बहू
अपने ससुराल में जाके कैसे हैंडल करती है सिचुएशंस उस पे है. तो सुपरनैचुरल पावर्स वो एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन था फर्स्ट सीजन में, होता है तो भी नो प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक इट्स बेसिकली, मतलब ये पूरा फोकस इस शो का इस पे है कि एक बहू एक नए घर में जाके कैसे ढलती है, अपने सपनों को कैसे समझाएगी अपने ससुराल वालों को कि हाँ मुझे ये करना है कन्विंसिंग वे में उस पे. Lovely, that's going to make a very interesting watch. हमारा अगला सवाल अविनाश के लिए है. ससुराल सिमर का has always received a mixed response from the fans. क्या आपको लगता है कि इस नए सीजन पे जिम्मेदारी है उसको बदलने की? नहीं, I think any response is a good response, and even if it's mixed response, people still talk about it. So yeah. As long as people are talking about it, as long as people are knowing it, मतलब जहाँ चर्चा होता है वहाँ खर्चा होता है. So I think whatever people like, it's our responsibility to serve that. And but yes, हम लोग कोशिश ये करेंगे, सबसे ज्यादा कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम दिल से जुड़ना चाहते हैं, भले ही एंटरटेनमेंट वो क्वेश्चन हो, कुछ भी चीजें करनी हो, बट सेंटर जो कोर है हमारी कहानी की वो ये है कि जो ऑडियंस देख रही है उनके दिल से हमें जुड़ना है. अब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा एक कॉमन फैक्टर है ससुराल सिमर का 1 और 2 में, वो है बालिका वधु. पहले हमारे साथ छोटी रोली जो मेरी रोली थी वो आनंदी, छोटी आनंदी थी, अब मेरे साथ छोटा जगिया है. I'm sure, yes, काफी लोगों ने वो रियलाइज किया होगा. मैं भी सोच ही रही थी, क्योंकि we of course have you know remember that, but I'm so glad that you spoke about the elephant in the room, और आपने कह दिया yes. So that is a beautiful connection, और वो consistent, yes. और जैसा आपने कहा अविनाश, जहाँ चर्चा है वहाँ खर्चा, I think that was so beautifully put, and there is कोई इस बात बदल नहीं सकता that there is always a wonderful buzz around ससुराल सिमर का, and we can already yes. see that with excitement of receiving season 2. That was indeed a wonderful question and answer session.